चांदा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लंबुआ चांदा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। शनिवार सुबह 11:25 पर मीडिया की टीम जब वहां पहुंचती है तो वहां पर अधिकतर स्टाफ नदारद थे। शिक्षकों की कुर्सियां खाली थी और अधिकतर कमरे में ताला लगा हुआ था। विद्यार्थियों ने नाम न छापने की शर्त पर दबी जुबान में बताया कि यहां पर पढ़ाई नामात्र की होती है। वहीं वहां पर मौजूद कार्यदेशक विनोद वर्मा एवं कार्यदेशक एमपी सिंह ने मीडिया को बताया कि यहां कर्मचारियों के लिए लगभग 29 स्वीकृत सीटें हैं, लेकिन मात्र 8 कर्मचारी ही नियुक्त हैं। उन्होंने यहां पर विद्युत समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि यहां पर लगे हुए ट्रांसफार्मर निष्क्रिय हैं। संस्थान में विद्युतीकरण के लिए कार्यदायी संस्था के द्वारा विद्युत विभाग को मार्च 2018 में लगभग 15 लाख रुपए दिया जा चुका है। बताते चले, कार्यदायी संस्था पेटफैक्स द्वारा भवन पूर्णतया हस्तगत नहीं किया गया है और अनेक महत्वपूर्ण कार्य अपूर्ण है। विदित हो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब स्मार्टफोन टैब वितरण किया जा रहा था, तब इसी संस्थान के कर्मचारी द्वारा बच्चों से अवैध वसूली की बातें भी सामने आई थी। स्टाफ रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ जिला संवाददाता पंकज तिवारी जी हैं। यहाँ पर पहुँचने पर जब मीडिया टीम देखती है, बच्चों से जानकारी लेती है, बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है और बच्चों का मैंने नाम भी नोट किया हुआ है, अभी खबर के माध्यम से अवगत कराऊँ। यहाँ पर फोरमैन है, क्या नाम है आपका? एमपी सिंह जी हैं। क्या कहते हैं, क्या दिक्कत है, आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे कह रहे हैं पढ़ाई नहीं होती है। अभी उनकी समस्या सही है, उनके लिए निराकरण के लिए शासन स्तर से बातचीत की जा रही है। अभी निदेशक महोदय का निरीक्षण हुआ था तो उन्होंने अवगत कराया है कि अगस्त के पहले हफ्ते तक यहाँ पे स्टाफ की व्यवस्था हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ वर्तमान में संस्थान में 4 इंस्पेक्टर स्टाफ हैं, जिनके ऊपर 12 ट्रेडों के प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण का प्रभार है। जो व्यवसाय के निदेशक नहीं हैं उनके ऊपर दूसरे व्यवसाय अभी चार्ज है, पहली समस्या। दूसरी समस्या है कि मार्च 2015 से हमारे फोन ट्रेडिंग बन रही है, आज तक फोन कम्प्लीट रूप से हस्तांतरित नहीं की गई है। अक्टूबर 2020 में प्रशासनिक फोन कमियों के साथ हस्तांतरण किया गया है, अभी तक हमारे वर्कशॉप तैयार नहीं है। हमारी मशीनें कारशालाओं में डंप पड़ी हैं, कारशाला अभी कार्यदायी संस्थाओं ने जो अपने कार्य थे उसको पूरा करने के लिए कार्य शुरू कराया है। अच्छा, मैं जानना चाहते हैं आपके यहाँ बच्चों के लिए कुछ एसी आई थी, वो कहाँ लगी? एसी रूम में कहीं लगी नहीं है, बच्चे एसी मिला है, एसी रूम में खबर मिली है कि बच्चों के कमरे में लगने के लिए एसी वगैरह आई है। बच्चों के कमरों में एसी नहीं आती है, एसी ये व्यवसाय की होती है, उनके योगात्मक प्रशिक्षण केंद्र, लेकिन लगती है बच्चों के लिए ना? नहीं लगती है, बच्चों के कमरे में नहीं लगती है, बच्चों के कमरे में नहीं लगती है। आर ए सी हमारा व्यवसाय है, उसके अंतर्गत उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ लगी है वो? कहाँ लगी है ये व्यवसाय हम देख सकते हैं, बता पाएंगे? नहीं नहीं, आप भी यहाँ पर फोर मैन हैं और विगत कई दिनों से अभी वो कहीं नहीं लगी है। अभी कारशाला हमारा स्टेबल हो जाएगा, लैब स्टेबल हो जाएगी, तभी वो स्थल रखा कहाँ गया है? रखी हुई है, दिखा सकते हैं? हम दिखा सकते हैं, वो संबंधित व्यवसाय निदेशक आ जाएंगे तभी। और कब आएंगे वो? उनकी ड्यूटी लगाई गई है आईटीओ की आईटीआई ये जो चांदा है। यहाँ अभी कुछ दिन पहले मीडिया से खबरें प्रकाशित हुई थी कि टैब जब वितरण हो रहा था तो कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट मैटर हुआ था, कुछ बच्चों से डिमांड कर रहे थे लोग, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में जिला प्रशासन ने